सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना माइका होम टूर। हाँ जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैसा मेरा माइका है और कैसे मेरे माइके के आसपास का व्यू है। तो आइए आप लोग भी देखिए मेरी इस वीडियो को और साथ ही साथ मेरी इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को अपने घर के, मतलब जो मेरा घर है माइके में, उसके सामने का व्यू दिखाऊंगी, किस तरीके का व्यू मेरे घर के सामने का है। तो आइए देखिए। सो गाइस, कुछ इस तरीके का व्यू मेरे माइके के सामने का है। यहाँ पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए आप लोगों को साफ से नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बाद में मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी छत में जाके, अपने घर के छत में जाके, कि किस तरीके का व्यू मेरे माइके के आसपास का है। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ पे व्यू है कि सामने पे काफी सारे गांव हैं, इधर यहाँ से लेके और वहां तक काफी सारे गांव हैं। कुछ कुछ गांव यहाँ भी हैं, ये पेड़ की वजह से दिख नहीं रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को अपना घर दिखा देती हूँ। सो गाइस, ये है मेरे माइका का घर, आप लोग देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को आधा पार्ट, मतलब जो ये है, ये आपको विंडो दिख रही होगी, इससे इधर का हमारा पार्ट है और इससे उधर जो पार्ट है वो मेरे ताऊ जी का है, मतलब कि मेरे पापा के भाई का। तो यहाँ पे मतलब मेरा घर एक ही है लेकिन फैमिली यहाँ पे दो रहती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा मेरा घर है, किस तरीके से हम जाते हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है जाने की और यहाँ पे सामने पे ही आप लोगों को ये बाथरूम दिखेगा, ये हमारा बाथरूम है। और जो ये सीढ़ी जाती है, ये सीढ़ी जाती है हमारी छत में, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी वीडियो के एंड में। और एक ये दरवाजा है हमारे पीछे का, तो यहाँ जैसे आग वगैरह जलाते हैं तो धुआं निकालने के लिए ये वाला कमरा है अलग सा। तो गाइज यहाँ से एंट्री करते हैं, ये कुछ बैठने के लिए हैं, जैसे कोई मेहमान वगैरह आ गए, गांव में होता ही है काफी सारे लोग आ जाते हैं तो चेयर उतनी अवेलेबल नहीं होती हैं, काफी सारे लोग घर में चेयर ज्यादा नहीं रखते हैं, तो इस तरीके का ये बनाया हुआ है, इसमें बैठ जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। तो गाइज ये है हमारा मेन गेट, यहाँ से हम एंटर करते हैं अपने रूम में जाने के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो अभी थोड़ा लाइट बंद है, मैं लाइट ऑन करके दिखाती हूँ आप लोगों को। सो गाइज ये एंटर करते ही यहाँ पे हमारा बैठने का, जैसे कोई लोग आ गए हैं तो यहाँ पे दो सोफे लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई बैठ सकता है। ये ओपन है, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये ओपन है। और इसी के साथ एक हमारा रूम यहाँ पे है जिस पे भी लाइट नहीं जली हुई है, मैं लाइट जला के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रूम है हमारा, यहाँ पे हमारे बेड लगे हुए हैं, जैसे कोई रिलेटिव हमारे आ गए तो वो यहाँ पे रहते हैं। और लाइट खोल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके के रूम है, यहाँ पे एक बेड आप लोगों को यहाँ पे लगा हुआ मिल जाएगा और एक बेड यहाँ पे लगा हुआ है और एक सामने पे है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा गांव में काफी सारे रिलेटिव आते हैं तो गांव में बेड होना बहुत जरूरी है। और साथ में एक सोफा यहाँ पे लगा हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कुछ क्लिप हैं, फोटोज हैं, ये मेरी शादी की फोटो है जो यहाँ पे लगी है और ये मेरे भैया हैं, मेरी भैया की बचपन की, मतलब जब वो कॉलेज टाइम के थे तब की उनकी ये फोटो है। और साथ में ये मेरी भतीजी की फोटो है, मेरे भैया की लड़की की फोटो है, और वो मेरे भैया भाभी की शादी की फोटोज है। और ये मेरी मम्मी पापा की फोटो है, ये भी मेरे भांजों की, भतीजों की फोटो है, और ये मेरी दी है मेरे से बड़ी, उनकी फोटो है, और ये भी मेरे मम्मी पापा की फोटो है। सो गाइज कुछ इसी तरीके से हमारा ये कमरा है। ज्यादा डेकोरेट घर में, गांव में नहीं करते हैं रूम की, तो इसी तरीके से आप लोगों को ये कमरा दिखेगा हमारा। सो गाइज यहाँ से बाहर आते ही मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये हमारा ओपन है, यहाँ पे आप लोग मशीन देख रहे, मशीन रखी हुई है और ये ओपन है, यहाँ पे दो सोफे लगे हुए हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को आगे के दिखाती हूँ। यहाँ से एंट्री करते ही एक रूम ये है, यहाँ पे हमारा किचन है, तो मैं किचन भी ओपन करती हूँ। तो किचन ओपन करते ही गाइस आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये हमारा गैस है, इंडक्शन चूल्हा है, जो भी किचन में चीजें होती हैं वो सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं। आप लोग देख सकते मसाले वगैरह रखे हैं मम्मी ने, और साथ में ये किचन और उधर बर्तनों का वो सिंक है, वॉशिंग मशीन है,
और जो मैंने आपको बाहर से कमरा दिखाया था वो ये है। इधर हम लोग आग जलाते हैं, सर्दियों में यहाँ पे आग मतलब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो आग जलाना जरूरी होता है, तो यहाँ पे आग जलाते हैं। तो ये पीछे का कमरा, ये अलग सा कमरा है जिसका मैंने आप लोगों को पहले इस वीडियो में बता दिया था, वो दरवाजा। तो ये वो कमरा है, तो कुछ इस तरीके से हमारा किचन है। अब गाइस किचन से इधर अगर हम चलते हैं साइड में, तो ये देखिए आप लोग, यहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल है खाना खाने का, और आप लोगों को ये सामने पे दिख रहा होगा कि ये क्या लगाया हुआ है। तो यहाँ पे मेरी भतीजी का कुछ दिन पहले बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो उसी की जो सजावट है वो ऐसी ही रखी हुई है, क्योंकि क्या निकालना वगैरह, दोबारा फिर दूसरी भतीजी का बर्थडे होगा तो चल जाएगा ना, सब कुछ ऐसा ही होता है। आप लोग इस चीज़ को माइंड मत करना कि इस तरीके का ये दीवारों पे चिपकाया हुआ है, ऐसा सब कुछ गांव में सब कुछ चलता है। तो ये है हमारा डाइनिंग टेबल, यहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 4 ही चेयर दिख रही होंगी, क्योंकि मेरी जो फैमिली मेम्बर हैं वो 4 ही हैं, मम्मी पापा भैया भाभी। सो हम लोग तो कभी कभार आते हैं इसीलिए हम इसमें एडजस्ट हो जाते हैं। सो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का है, ये विंडो है, आप लोग देखते हैं यहाँ से धूप सनलाइट बहुत अच्छी तरीके से आती है जब मतलब धूप आती है। और यहाँ पे भी ये ड्रेसिंग टेबल है और कुछ चेयर यहाँ पर रखी हुई है, बस ये इतना ही कमरा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये इतना ही है। और आप लोग देख सकते हैं ये मेरी दी ने बनाई है, मेरी दी मतलब बहुत चीज़ें ऐसी बनाती हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप लोगों ने ऑनलाइन भी इन चीज़ों को देखा होगा, इनका बहुत ज़्यादा प्राइस होता है, और मेरी दी खुद अपने हाथों से इन चीज़ों को बनाती है। तो ये देखिए आप, ये मिरर लगा हुआ है इस पे, और इधर साइड में कुछ चीज़ रखने का भी है, ये देख सकते हैं आप। सो अब ये हमारा रूम है, यहाँ भी हम एंटर करते हैं और देखते हैं इस रूम के अंदर क्या है। सो गाइस चलो एंटर करके देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, 2 यहाँ पे बेड लगे हुए हैं जहाँ पे मम्मी सोती है, और यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं मेरा लैपटॉप किस तरीके से पड़ा हुआ है, चलो ये तो बाद में कर लूंगी। और यहाँ पे टेबल लगी हुई, इधर मम्मी का थोड़ा सामान रहता है, और ऊपर कुछ इस तरीके से मम्मी ने डेकोरेट कर रखा है। वहाँ पे भी मेरी पिक लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे भतीजे की पिक है, ये मेरी भांजी की पिक, ये मेरी भतीजी की पिक है, वो भी मेरी भतीजी की फोटो है। और इस तरीके से मम्मी ने ये डेकोरेट किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मम्मी ने डेकोरेट किया हुआ है बस। और इतना ही है, ये 2 बेड यहाँ पे हैं और कुछ नहीं है, बस इस तरीके से ही। आप लोग देख सकते हैं कमरा बहुत ज़्यादा मैसी हुआ है, क्योंकि अभी जस्ट मैं उठी हूँ और अभी टाइम हो रहा है सुबह की 9:30, तो मैंने कहा चलो पहले ये वीडियो शूट कर लेती हूँ, उसके बाद यहाँ साफ सफाई करूँगी। तो इस तरीके से ये हमारा रूम है, और एक रूम इसके अंदर जाके है, वो मुझे आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा स्टोरेज सामान है, स्टोरेज की कुछ चीज़ें हैं, स्टोर करी हुई चीज़ें, तो वो मुझे आपको दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि दिखाना होगा। सो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग सोचेंगे सीढ़ियाँ कहाँ जा रही हैं, तो ये सीढ़ियाँ भी हमारी छत में जा रही हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ छत में जाने का हमारा क्या व्यू है। तो गाइस मैं छत में आ चुकी हूँ, देख सकते हैं आप, यहाँ नीचे रूम में दिखाए थे ना आपको, यहाँ से मैं छत में आ चुकी हूँ, और मैं खोलती हूँ यहाँ का गेट। गेट ओपन होते ही ये हमारी छत, देखिए ये छत है हमारी, और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ये बिम वगैरह जो खड़े हुए हैं ना, यहाँ पे मम्मी पापा सोच रहे थे कि मकान बनाएंगे, कमरा बनाएंगे, जो अभी नहीं बन पाया है, शायद कुछ साल के बाद वो शायद यहाँ पे कमरे बना दें। वैसे तो मम्मी इनको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर ऑलरेडी हमारा हरिद्वार में है, मकान हमारी हरिद्वार में है, तो यहाँ पे मम्मी पापा लोग सोच रहे हैं, जब तक मम्मी पापा यहाँ पे हैं तो सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कमरे बना दें और रेंट पे चढ़ा दें, तो यहाँ पे शायद आने वाले सालों में कुछ कमरे बना देंगे वो। तो ये हमारे घर के पीछे बैक का ऐसा नज़ारा है, देख लीजिए आप, और यहाँ ऊपर जाके हमारा गांव पड़ता है। गांव का भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ अलग शेयर करूंगी, गांव का वीडियो मैं आप लोगों के साथ अलग सा बना के शेयर करूंगी। और ये घर पड़ता है हमारे घर के ऊपर, हमारे फैमिली रिलेटिव का घर है, सो यहाँ पे वो लोग रहते हैं। कुछ तरीके का व्यू आप लोगों को हमारे घर के पीछे का देख सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को अपने घर के फ्रंट आगे का व्यू दिखाती हूँ। सो गाइज ये है मेरे घर के आगे का व्यू, इस तरीके का व्यू है।
ये देखिए आप लोगों को काफी सारे घर यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ये पूरे गांव है हमारे घर के आसपास के, और कुछ इस साइड भी हैं। यहाँ पेड़ों की वजह से दिख नहीं पा रहा है सही से, इधर भी हैं। और ये हमारे खेत हैं, कितनी दूर मेरी मम्मी खेत को जाती है तो वो हमारे खेत हैं उधर, आप लोग देख सकते हैं। और ये है हमारे घर के आसपास का नज़ारा। सामने पे आप लोग देख सकते हैं ये सड़क है, बस थोड़ी सी हमने इधर आगे जाके उतरना होता है हमें, और थोड़ा सा चढ़ाई करके अपने घर में आना होता है। और वो आप लोग देख सकते हैं वो नदी है हमारे घर के पास में दिखती है। और ये मैंने आपको दिखाया था, ये मेरे ताऊ जी लोगों का घर है। और सामने पे गाइस देखिए आप लोग, आजकल यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड हो रही है, और साथ में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्नोफॉल काफी ज्यादा हुआ है। देखिए आप लोग पहाड़ों पे कैसे बर्फ जमी है। दिख रहा है ना गाइस आप लोगों को बर्फ, देखिए आप। कुछ कुछ बर्फ गल चुकी है क्योंकि काफी दिन पहले यहाँ पे बर्फ गिरी थी, तो आज मैं काफी लेट, मतलब काफी दिन पहले यहाँ पे बर्फ गिरी थी और मैं काफी लेट में इस वीडियो को बना रही हूँ। तो गाइज आप लोग वेदर देखिए, यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड आज हो रही है, और बादल कैसे भरे हुए हैं आप लोग देख लीजिए, बहुत ज्यादा ठंड आज यहाँ पे हो रही है। तो गाइज आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, आप लोगों को मेरा माइका होम टूर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। गाइज जितना हो पाया मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किए, तो आई होप गाइज आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा माइका होम टूर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइज मिलती हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट